क्रीड़ा लीला। श्री प्रिया प्रियतम कटहल वृक्ष से बने हुए अत्यंत सुंदर निकुंज में विराजमान हैं। चार अत्यंत सुंदर कटहल के वृक्ष 8-8 गज की दूरी से चारों कोनों में स्थित हैं। उनकी मोटी मोटी शाखाएं आपस में जुड़कर गुंबद के आकार की बन गई हैं। कटहल वृक्षों को चारों ओर से घेरकर अंगूर की लताएं फैली हैं, जिनमें गुच्छे के गुच्छे अंगूर के फल लटक रहे हैं। चारों कटहल के वृक्ष भी फल से भरे हैं। छोटे बड़े सब आकार के पनस फल कटहल के फल वृक्षों से लटक रहे हैं। कुछ पके हुए भी हैं तथा उनसे अत्यंत मीठी सुगंधि निकल कर संपूर्ण वातावरण को सुवासित कर रही है। चारों दिशाओं में चार दरवाजे हैं। दरवाजों के पास अंगूर की बेलें फैली हुई हैं। इन बेलों में अंगूर लटक रहे हैं। अंगूर सहित फैली हुई बेलों की शोभा ऐसी है मानो झालर टंग रही हो। छोटे छोटे पक्षी बेलों एवं वृक्षों पर इधर से उधर, उधर से इधर फुदक रहे हैं। I was looking for something fun. My brain is always going a million miles. ये पक्षी इतनी मीठी ध्वनि से बोल रहे हैं कि समस्त निकुंज एक अनिर्वचनीय मधुर धीमी स्वर लहरी से गुंजित हो रहा है। निकुंज के सहन के किनारे किनारे एक विचित्र जाति के छोटे छोटे 3-3 अंगुल ऊंचे नीले रंग के पौधे उगे हुए हैं तथा वे पौधे आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि केवल उनकी छोटी छोटी पत्तियां ही दिख रही हैं, जड़ बिल्कुल नहीं दिखती। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो 3 हाथ चौड़ी मखमली कालीन निकुंज के किनारे किनारे बिछ रही हो। निकुंज का शेष अंश ठीक उसी प्रकार से नीले रंग के किसी तेजस पत्थर से पटा हुआ है। फर्श इतना चिकना है कि झुकते ही उस पर अपने मुख का नीला नीला प्रतिबिंब दिखने लगता है। निकुंज के बीच के स्थल में पीले रंग की चादर बिछी हुई है। इसी चादर पर श्री प्रिया प्रीतम एवं सखियाँ अच्छे क्रीड़ा खेलने के लिए बैठी हुई हैं। श्री प्रिया पूर्व की ओर मुख किए हुए तथा श्याम सुंदर पश्चिम की ओर मुख किए हुए बैठे हैं। श्री प्रिया की दाहिनी ओर ललिता बैठी हैं एवं बाईं ओर चित्रा। श्री श्याम सुंदर की बाईं ओर विशाखा घुटना टेके बैठी हैं तथा दाहिनी ओर दक्षिण की ओर मुख किए हुए इंदुलेखा बैठी हैं। चंपकलता विशाखा की बाईं ओर अपने दाहिने हाथ से विशाखा के बाएं कंधे को पकड़े हुए बैठी हैं। तुंग विद्या ललिता एवं श्री प्रिया के बीच की जगह में कुछ पीछे हटकर बैठी हुई हैं। रंग देवी श्री प्रिया एवं चित्रा के बीच कुछ पीछे हटकर बैठी हैं। सुदेवी इंदुलेखा एवं चित्रा के बीच की जगह में कुछ पीछे हटकर बैठी हैं। मंजरियां उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हैं। खड़ी हुई मंजरियों की दृष्टि गड़ी हुई है श्री प्रिया प्रीतम एवं सखियों पर, जो अच्छे क्रीड़ा आरंभ करने वाली ही हैं। निम्न चित्र से स्पष्ट रूप से ज्ञात हो सकता है कि श्री प्रिया प्रीतम के साथ अन्य सखियां किस किस दिशा में कहां कहां बैठी हैं। श्री प्रिया प्रीतम के बीच में एक हाथ लंबा एवं एक हाथ चौड़ा कपड़े का टुकड़ा रखा हुआ है, जो अत्यंत सुंदर जरी की कारीगरी के कारण चमचम कर रहा है। अब अच्छे क्रीड़ा आरंभ होने के पूर्व श्री प्रिया कहती हैं, ना मैं आज अपना दाव पहले चुन लूंगी। श्याम सुंदर कहते हैं, वाह यह कैसे होगा, नियमानुसार जिसका नाम आएगा वह पहले चुनेगा। श्याम सुंदर की बात सुनकर श्री प्रिया के मुखारविंद पर विशुद्ध मुस्कान छा जाती है तथा वे कहती हैं, देखो तुम प्रतिदिन कुछ न कुछ चालाकी अवश्य करते हो, नहीं तो पहले तुम्हारा ही दाव कैसे आ जाता है। ना आज वैसे नहीं, पहले मैं अपना दाव चुन लूंगी, फिर कोई भी चुने। रानी की बात सुनकर श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा आज यदि पहले मेरा दाव आया तो मैं वह दाव तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारा जो दाम होगा वह मैं ले लूंगा, क्यों यह तो मंजूर है। रानी हंसकर कहती है, हाँ यह मंजूर है। रानी के यह कहते ही अत्यंत सुंदर परात में गुलाब के अतिशय सुंदर 10 फूलों को लिए हुए वृंदा दक्षिण की ओर से आकर खड़ी हो जाती हैं। गुलाब के फूल इस प्रकार रखे हुए हैं कि दल नीचे की ओर तथा डंटी ऊपर की ओर है। वृंदा परात रख देती हैं तथा पूर्व उत्तर की ओर मुख करके ललिता एवं चंपकलता के बीच में जो जगह थी वहीं बैठ जाती हैं। अपनी आंखें हाथों से मूंद लेती हैं तथा कहती हैं, तुम लोग अपनी इच्छा अनुसार स्थान परिवर्तन कर लो। अब सबसे पहले ललिता परात में हाथ डालती हैं तथा फूलों का स्थान इधर उधर कर देती हैं। उसके बाद श्याम सुंदर फूलों का स्थान बदल देते हैं।
फिर वृंदा पूछती है, क्यों हो गया? श्याम सुंदर कहते हैं, हाँ आंखें खोलो। वृंदा आंखें खोलती हैं तथा अपनी एक दासी को बाहर से बुलवाती हैं। दासी आ जाती है, वृंदा उसे इशारा करती हैं। वह पहले एक फूल रानी को देती है, इसके बाद एक फूल श्याम सुंदर को, फिर ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या एवं सुदेवी आठों को क्रमशः एक एक फूल दे देती है। श्याम सुंदर को जो फूल मिला उस पर 7 के अंक का चिन्ह निकला। रानी को जो फूल मिला उस पर 3 का अंक मिला। ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या एवं सुदेवी के फूलों पर क्रमशः 5, 6, 8, 4, 9, 2, 10, 1 के चिन्ह थे। अतः यह निर्णय हो गया कि सर्वप्रथम एक सुदेवी को दांव चुन लेने का अधिकार है, पहला। इसके बाद क्रमशः दूसरा रंगदेवी, तीसरा राधा रानी, चौथा इंदुलेखा, पांचवा ललिता, छठा विशाखा, सातवां श्याम सुंदर, आठवां चित्रा, नौवां चंपकलता एवं दसवां तुंग विद्या दांव चुनेंगी। श्याम सुंदर कहते हैं, हाँ सुदेवी, तू कौन सा चुनती है? सुदेवी मुस्कुराकर ललिता की ओर देखती है, फिर सोचकर कहती है, मैं 3 नंबर के कोष्ठ को अपना दाम स्वीकार कर रही हूँ। अब रंगदेवी की बारी आती है, वे 6 नंबर का कोष्ठ स्वीकार करती हैं। रानी कुछ सोचकर कहती हैं, मैं नवम कोष्ठ ले रही हूँ। इसके बाद इंदुलेखा 8वां, ललिता 2रा, विशाखा 14वां कोष्ठ ले लेती हैं। अब श्याम सुंदर की बारी आती है। श्याम सुंदर एक तीक्ष्ण दृष्टि सभी कोष्ठों पर डालकर धीरे से कहते हैं, मैं 12वां कोष्ठ स्वीकार करता हूँ। श्याम सुंदर के बाद चित्रा 11वां कोष्ठ, चंपकलता 4था एवं तुंग विद्या 5वां कोष्ठ स्वीकार कर लेती हैं। अब वृंदा बहुत सुंदर नीले मखमल की बनी हुई एक छोटी पोटली अपनी कंचुकी से निकालती हैं और उस पोटली को खोलती हैं। पोटली में अत्यंत सुंदर किसी पीले रंग की तेजस धातु की बनी हुई 16 कौड़ियाँ हैं। कौड़ियाँ इतनी सुंदर हैं एवं इतनी चिकनी हैं कि देखते ही चकित हो जाना पड़ता है। प्रत्येक कौड़ी पर गलवाही डाले प्रिया प्रीतम की अतिशय सुंदर छवि अंकित है। छवि इतनी कारीगरी से बनाई हुई है कि बिल्कुल सजीव सी प्रतीत हो रही है। कौड़ियों पर श्री प्रिया प्रीतम की छवि देखकर सबका मन खिल उठता है। अब वृंदा देवी खेल प्रारंभ होने की आज्ञा देती हैं। वृंदा देवी कहती हैं, आज के खेल में यह स्थिर कर रही हूँ कि पहला, जिसने जो दांव चुन लिया है उसे अपनी बारी आने पर 16 कौड़ियों को उछालकर दाम की जो संख्या है उतनी कौड़ियाँ चित्त गिराने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि उतनी चित्त नहीं गिरी तो वह दाम हारी हुई समझी जाएगी तथा उस संख्या के दाम कोष्ठ पर जिस अंग का नाम अंकित है उस पर सखी हारेगी तो सखी के उस अंग पर श्याम सुंदर का एवं श्याम सुंदर हारेंगे तो श्याम सुंदर के उस अंग पर सखी का अधिकार समझा जाएगा। दूसरा, यदि उतनी कौड़ियाँ उसने चित्त गिरा दी तो दांव की जीत समझी जाएगी तथा उस कोष्ठ पर जिस श्री अंग का नाम अंकित है उस अंग पर यदि सखी जीतेगी तो श्याम सुंदर के उस अंग पर सखी का और श्याम सुंदर जीतेंगे तो सखी के उस अंग पर श्याम सुंदर का अधिकार समझा जाएगा। तीसरा, प्रत्येक सखी एवं श्याम सुंदर का दांव अलग अलग समझा जाएगा, अर्थात एक सखी एवं श्याम सुंदर, फिर एक सखी एवं श्याम सुंदर, इस प्रकार 2-2 का दांव रहेगा। चौथा, प्रत्येक हारी हुई सखी के बाद श्याम सुंदर को दांव फेंकने का अधिकार रहेगा। पांचवा, यदि किसी ने 16 कौड़ियां चित गिराई तो उसके दांव की जीत तो हो ही गई, साथ ही कोष्ठ संख्या 1 में जो अंग है प्रतिद्वंदी के उस अंग पर भी उसका अधिकार हो जाएगा तथा तुरंत ही पुनः दांव फेंकने का, कौड़ियां उछालने का भी अधिकार होगा। छठा, लगातार कई बार 16 कौड़ियां चित्त गिराने वाले का यथा योग्य अधिकार प्रतिद्वंदी के किन किन अंगों पर होगा, अर्थात कोष्ठ संख्या 1, 2, 3 आदि में निर्दिष्ट अंगों पर किस क्रम से होगा, यह मैं उसी समय घोषित करूंगी। अब खेल प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम सुदेवी कौड़ियों को उछालती हैं। सुदेवी का दांव 3 संख्या का था पर कौड़ियाँ 2 चित्त गिरी एवं 14 पट। श्याम सुंदर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। वृंदा कहती हैं, यह पहला दांव था पर सुदेवी हार गई। हाँ, पहला दांव होने के कारण मैं निर्णय कर्त्री के विशेष अधिकार से यह सुविधा सुदेवी को दे रही हूँ कि श्याम सुंदर भी
अब इस बार दांव फेंकते समय यदि हार गए तो सुदेवी की हार रद्द समझी जाएगी, पर कहीं जीत गए तो सुदेवी की हार तो कायम ही रही। साथ ही कोष्ठ संख्या एक पर जो अंग है उस पर भी बिना दूसरी दांव जीते ही श्याम सुंदर का अधिकार समझा जाएगा। क्यों सुदेवी, स्वीकार है या नहीं? वृंदा की बात सुनकर सुदेवी विचार में पड़ जाती हैं। यद्यपि हृदय तो हार हो या जीत हो दोनों अवस्थाओं में ही प्रेम से थिरक थिरक कर नाच रहा है, पर बाहर गंभीर सी मुद्रा में कहती हैं, ललिते क्या करूं? ललिता कहती हैं, तू मान ले, देखा जाएगा। सुदेवी हामी भर लेती हैं। अब श्याम सुंदर कौड़ियाँ उछालते हैं तथा इस चतुराई से उछालते हैं कि 16 कौड़ियाँ चित गिरती हैं। यह देखकर श्याम सुंदर तो प्रसन्नता से भर उठते हैं। सुदेवी कुछ शर्मा जाती हैं। श्याम सुंदर कहते हैं, वृंदे पहले से स्पष्ट घोषणा करती चली जा, नहीं तो क्या पता ये सब पीछे से बेईमानी करेंगी। वृंदा प्यार में भरकर कुछ देर सोचकर कहती हैं, श्याम सुंदर का सुदेवी के बाएं कपोल पर, बाएं नेत्र पर, बाएं हाथ पर एवं दाहिने नेत्र पर भी अधिकार हो गया तथा नियम के अनुसार श्याम सुंदर को फिर से दांव फेंकने का अधिकार है। वृंदा की बात सुनकर श्याम सुंदर फिर दांव फेंकते हैं तथा इस बार 13 कौड़ियाँ चित गिरती हैं। श्याम सुंदर कुछ लज्जा से जाते हैं। सुदेवी प्रसन्न हो जाती हैं। वृंदा कहती हैं, इस बार दांव श्याम सुंदर हार गए हैं, इसीलिए श्याम सुंदर के बाएं हाथ पर सुदेवी का अधिकार हो गया। इसके बाद रंग देवी दांव फेंकेंगी। My name is Rachel Nelson. I'm a Term 5 School of Medicine student and today I'll be visiting the General Hospital as part of my clinical. वृंदा की बात सुनकर रंग देवी कौड़ियाँ उछालती हैं तथा 6 कौड़ियाँ चित गिरती हैं। वृंदा कहती हैं, रंग देवी दांव जीत गई हैं, इसीलिए श्याम सुंदर के ललाट पर रंग देवी का अधिकार हो गया। अब मेरी प्यारी रानी दांव फेंकेंगी। अब रानी की बारी आते ही श्याम सुंदर एवं सभी सखियों मंजरियों का मन उत्कंठा से भर जाता है। रानी अतिशय उत्कंठा से कौड़ियों को हाथ में ले लेती हैं, प्यारे श्याम सुंदर के मुखारविंद की ओर ताकती हुई कौड़ियाँ उछाल देती हैं। इस बार 8 कौड़ियाँ चित तथा शेष 8 कौड़ियों में एक कौड़ी दूसरी 2 कौड़ियों पर चढ़ी हुई आधी चित गिरी। ललिता तुरंत बोल उठती हैं, यह आधी कौड़ी भी पूरी समझी जाएगी, इसीलिए मेरी प्यारी सखी की ही जीत हुई है। श्याम सुंदर कहते हैं, वाह क्या मनमानी करने से बात बन जाएगी, कौड़ियाँ 8 चित गिरी हैं, तुम्हारी सखी हार गई हैं। श्याम सुंदर एवं अन्य सखियों में बात होने लगती है। सखियाँ कहती हैं, नहीं मेरी प्यारी राधा की जीत हुई है। श्याम सुंदर रानी से कहते हैं, नहीं तू हार गई है। वृंदा पर निर्णय का भार था ही, अतः सब सखियाँ एवं श्याम सुंदर वृंदा की ओर देखने लगते हैं। वृंदा कुछ सोचकर कहती हैं, जीत तो रानी की हुई प्रतीत होती है, पर प्यारे श्याम सुंदर का संदेह मिटाने के लिए मैं यह आज्ञा दे रही हूँ कि रानी उन तीनों कौड़ियों को फिर से उछाल दें। यदि तीनों में से 2 कौड़ियाँ रानी चित गिरा सकी तो उसकी जीत समझी जाएगी। यदि तीनों चित गिरेंगी तो बिना दांव फेंके रानी का श्याम सुंदर के दाहिने हाथ पर भी अधिकार हो जाएगा, पर कहीं एक चित गिरी तो किसी की हार जीत नहीं मानी जाकर रानी को फिर से दांव फेंकना पड़ेगा। क्यों श्याम सुंदर, मंजूर है? श्याम सुंदर कुछ मुस्कुराते हुए श्री प्रिया की ओर देखकर धीरे से कहते हैं, ठीक है यही सही। रानी कौड़ियाँ उछालती हैं, तीनों कौड़ियाँ चित गिरती हैं, सखियों में हंसी का प्रवाह बह जाता है, श्याम सुंदर भी हंसने लगते हैं। वृंदा भी कहती हैं, श्याम सुंदर के दोनों हाथों पर रानी का अधिकार हो गया। अब क्रमशः सखियाँ दांव फेंकती हैं। इंदुलेखा के द्वारा दांव फेंके जाने पर 10 कौड़ियाँ चित गिरती हैं। वृंदा कहती हैं, इंदुलेखा दांव हार गई, इसीलिए इंदुलेखा के ओष्ठ पर श्याम सुंदर का अधिकार हो गया। श्याम सुंदर तुम दांव फेंको। श्याम सुंदर दांव फेंकते हैं, 12 कौड़ियाँ चित गिरती हैं। वृंदा कहती हैं, इंदुलेखा के बाएं हाथ पर श्याम सुंदर का अधिकार। अब ललिता की बारी आती है। इस बार सभी कौड़ियाँ उठाकर श्याम सुंदर ललिता के हाथ में दे देते हैं। ललिता हंसती हुई कौड़ियों को पकड़ लेती हैं तथा कहती हैं, तुम्हारी स्पर्श की हुई कौड़ी है, पता नहीं तुमने जादू टोना किया होगा, देवी कात्यायनी मेरी सहायता करें, रक्षा करें। देवी का स्मरण करके ललिता कौड़ियाँ उछाल देती हैं, 16 कौड़ियाँ चित गिरती हैं, सभी हंसने लगती हैं। कौड़ियाँ उठाकर पुनः ललिता उछाल देती हैं, इस बार भी 16 कौड़ियाँ चित गिरती हैं। सखियों में हंसी का मानो तूफान सा उठने लगा। रानी प्यार में भरकर ललिता को अपने दाहिने हाथ से खींचकर शरीर से सटा लेती हैं। ललिता पुनः कौड़ियों को उछालती हैं, इस बार 3 चित गिरती हैं। श्याम सुंदर हंस पड़ते हैं।
वृंदा कहती हैं, दो दाव के अनुसार श्याम सुंदर के दोनों नेत्रों पर, दोनों कपोलों पर ललिता का अधिकार हुआ। तीसरा दाव ललिता हार गई, इसलिए ललिता के आधार पर श्याम सुंदर का अधिकार है। ललिता बहुत शीघ्रता से कहती हैं, वाह वृंदे वाह, तुम्हें नियम भी याद नहीं है, मेरे स्वयं का दाव तो मेरा दाहिना नेत्र है। वृंदा कहती हैं, ठीक ठीक भूल गई, अधर के बदले तुम्हारे दाहिने नेत्र पर श्याम सुंदर का अधिकार रहा। वृंदा की बात सुनकर सभी हंसने लगती हैं। अब पुनः श्याम सुंदर कौड़ियाँ उछालते हैं, 12 कौड़ियाँ चित गिरती हैं। वृंदा कहती हैं, ललिता के बाएं हाथ पर श्याम सुंदर का अधिकार। अब विशाखा दाव फेंकती हैं, 15 कौड़ियाँ चित गिरती हैं। वृंदा कहती हैं, विशाखा के बाएं चरण पर श्याम सुंदर का अधिकार। श्याम सुंदर पुनः कौड़ियाँ फेंकते हैं, 14 कौड़ियाँ चित गिरती हैं। वृंदा घोषणा करती हैं कि श्याम सुंदर के बाएं हाथ पर विशाखा का अधिकार। चित्रा का दाव आता है, इस बार ठीक 11 कौड़ियाँ चित गिरती हैं, पर श्याम सुंदर जल्दी से गिनने का बहाना करके एक कौड़ी और भी चित कर देते हैं तथा कहते हैं, ना 12 कौड़ियाँ चित गिरी हैं, यह तो दाव हार गई। ठीक इसी समय वृंदा की एक दासी वृंदा के कान में कुछ धीरे से कहने लग गई थी। इसमें वृंदा का ध्यान उधर बट गया, श्याम सुंदर की इस चतुराई को देख नहीं सकी। अब तो प्रेम का कलह होने लग गया। ललिता चित्रा आदि कहती, वाह तुमने एक कौड़ी और चित कर दी है, दाव चित्रा ने जीता है। श्याम सुंदर कहते हैं, वाह जब मैंने सबसे बेईमानी नहीं की तो चित्रा से हमारा कोई बैर है कि मैं बेईमानी करूँगा। वृंदा कुछ शर्मा सी गई, क्योंकि भूल उनकी थी, उन्होंने ठीक से देखा नहीं, दूसरी बात में लग गई। वृंदा ने कहा, दूसरी बार दाव फेंको। इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए चित्रा कहने लगी, मैं अपना जीता हुआ दाव छोड़कर जोखिम क्यों उठाऊं? श्याम सुंदर कहते हैं, यह अवश्य ही हार गई। वृंदा प्रार्थना की मुद्रा में रानी की ओर देखती हुई कहती है, मेरी रानी किसी प्रकार चित्रा मान ले।